दोस्तों 9 मार्च 2019 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आज की इस वीडियो में इस हाईवे से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग इन्फॉर्मेशन 360। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। 98,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये हाईवे आपको 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुँचाने में सक्षम होगा। 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। यह हाईवे 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से गुजरात में 426 किलोमीटर, फिर उसके बाद राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर और हरियाणा में 129 किलोमीटर का हिस्सा आता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड नाम से जाना जाएगा। इस हाईवे को जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पे हर 500 मीटर के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर वहाँ पर इमरजेंसी प्लेन की लैंडिंग भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों, आप इस ग्रीनफील्ड हाईवे की हेल्प से दिल्ली से मुंबई तक का सफर विद इन 12 आवर्स कर सकते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर